दोस्तों नमस्कार, फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ कक्षा 12वीं के लिए 2020 के लिए इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एमपी बोर्ड के लिए हैं और 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लेसन 5 से लिए गए हैं। लेसन 5, 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस, प्रकृति के 10 नियम सफलता के, प्रकृति के 10 नियम इससे लिए गए हैं। सबसे पहले हम डी पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। डी पार्ट में भी सबसे पहले प्रोज से चलिए देखें है क्या। क्वेश्चन 1, व्हेन डू वी एक्सपीरियंस इनर पीस। व्हेन डू, व्हेन यानी हम, डू यानी करना, वी यानी हम, व्हेन यानी कब, डू यानी करना, वी यानी हम, एक्सपीरियंस यानी अनुभव करना, इनर पीस यानी आंतरिक शांति का, हम आंतरिक शांति का अनुभव कब करते हैं। तो इसका आंसर है वी एक्सपीरियंस इनर पीस, हम आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं व्हेन वी ओपन नेचुरल लॉज, जब हम, व्हेन यानी जब, वी यानी हम, ओबी यानी आज्ञा का पालन करना, नेचुरल लॉज, जब हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं तब हम आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर कंफर्ट जोन। व्हाट यानी क्या, आर यानी है, द कंफर्ट जोन, आरामदायक क्षेत्र, आरामदायक क्षेत्र क्या है। कंफर्ट जोन आर सिचुएशन इन विच वन फील्स कंफर्टेबल आर कॉल्ड कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन्स आर सिचुएशन, कंफर्ट जोन वे स्थितियां हैं इन विच वन फील, जहां प्रत्येक अनुभव करता है कंफर्टेबल यानी आराम का, एंड कॉल्ड कहलाती हैं कंफर्ट जोन, यानी वे स्थितियां हैं, वे क्षेत्र जहां प्रत्येक व्यक्ति आराम का अनुभव करता है कंफर्ट जोन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हाउ कैन वी फ्री अप टाइम। हाउ कैन, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकना, वी यानी हम, फ्री अप टाइम, फ्री अप टाइम यानी समय को निकालना, हम समय को कैसे निकाल सकते हैं, तो वी कैन फ्री अप टाइम बाय डेली प्लानिंग। वी कैन, हम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, फ्री अप टाइम समय को निकाल सकते हैं बाय डेली प्लानिंग यानी रोज की प्लानिंग करके। यदि हम रोज की प्लानिंग करें तो हम समय को फ्री निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखें, हु इज द बेस्ट जज ऑफ सेल्फ वर्थ। हु यानी कौन, इज यानी है, द बेस्ट जज, बेस्ट यानी अच्छा, जज यानी निर्णायक, ऑफ सेल्फ वर्थ, सेल्फ वर्थ यानी स्वयं का, तो वी आर द बेस्ट जज ऑफ सेल्फ वर्थ, वी यानी हम, आर यानी है, द बेस्ट जज, अच्छे निर्णायक, ऑफ सेल्फ वर्थ, स्वयं के, हम खुद ही स्वयं के सबसे अच्छे निर्णायक हैं। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट आर नेचुरल लॉज, हाउ डू दे इफेक्ट अवर लाइव्स। व्हाट आर नेचुरल लॉज अर्थात क्या हैं प्रकृति के नियम, प्रकृति के नियम क्या हैं, हाउ डू दे इफेक्ट अवर लाइव्स, हाउ यानी कैसे, डू यानी करना, दे यानी वे, इफेक्ट यानी हमारे, इफेक्ट यानी प्रभाव डालते हैं अवर लाइव्स, हमारे जीवन पर, वे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं, तो द फंडामेंटल पैटर्न ऑफ नेचर, फंडामेंटल पैटर्न ऑफ नेचर एंड लाइफ आर कॉल्ड नेचुरल लॉस। वी कैन इम्प्रूव अवर रिलेशनशिप पर्सनल प्रोडक्टिविटी बाई ओबिंग देम। द फंडामेंटल पैटर्न ऑफ नेचर, द फंडामेंटल पैटर्न यानी आधारभूत, आधारभूत पैटर्न ऑफ नेचर, प्रकृति की जो आधारभूत शिला है एंड लाइफ और जीवन की, आर कॉल्ड नेचुरल लॉस कहलाती हैं नेचुरल लॉस, प्रकृति के नियम। वी कैन इम्प्रूव, हम बढ़ा सकते हैं अवर रिलेशनशिप, हमारे संबंधों को, पर्सनल प्रोडक्टिविटी अर्थात उत्पादन क्षमता को, बाय ओबिंग देम, इनका, इनको मानकर, हम प्रकृति के नियमों का पालन करके अपनी उत्पादन क्षमता और रिलेशनशिप बढ़ा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाई शुड वी लीव अवर कंफर्ट जोन। व्हाई यानी क्यों, शुड यानी चाहिए, वी लीव, वी यानी त्यागना चाहिए या छोड़ना चाहिए, वी यानी हमें, अवर कंफर्ट जोन्स हमारे आरामदायक क्षेत्र, एंड हाउ और कैसे, हमें आरामदायक क्षेत्र क्यों छोड़ना चाहिए और इसको कैसे छोड़ा जा सकता है, तो वी शुड लीव अवर कंफर्ट जोन, हमें छोड़ना चाहिए अपना आरामदायक क्षेत्र, इफ़ वी वांट टू अचीव अवर एम्स ऑफ लाइफ, वी कैन लीव देम
by efforts and commitment, यानी we should leave our comfort zone, हमें अपना आरामदायक क्षेत्र छोड़ना चाहिए या त्यागना चाहिए, if यदि we want to achieve, यदि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, our aims, अपने लक्ष्य को of life, जीवन के, यदि हमें जीवन के किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें आरामदायक क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा, we can leave them, हम उसको छोड़ सकते हैं, by efforts, वादों से, प्रयासों से, and commitment, अर्थात वादों से, हम वादे और प्रयासों के द्वारा उसको छोड़ सकते हैं।